गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। तो गाइस, आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं गोल्ड माइनर। गाइस, इस गेम में लास्ट टाइम मैंने जैसे ही वो पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसको बनाने के बाद हमें पता चला कि भाई इस गेम के अंदर ना एरिया 1 के अलावा एरिया 2 भी है और शायद एरिया 3 भी हो सकता है। बट जैसे भी वो बनाने के बाद मैंने सोचा कि एरिया 2 में ना अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई एरिया जो 1 है उसका वर्क हमें पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर शॉप हो गया, अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को अनलॉक करनी है, ओपन करनी है। सो लेट्स जल्दी बढ़ाओ गेम। बट उससे पहले वीडियो लाइक करो और चैनल को भी साथ या सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स प्ले द गेम। सो गाइस, गेम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैंने कहा था कि ब्लैक स्मिथ इसको ओपन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई जो मैं सोना निकालता हूँ छोटे छोटे टुकड़े, मतलब उन छोटे छोटे गोल्ड के टुकड़े को मेरे को ब्लैक स्मिथ को देना है, और वो ब्लैक स्मिथ मेरे को ना सोने का एक बिस्किट बना के देगा, उसको मेरे को बेचना ज्यादा दामों में। अगर मैं छोटे छोटे टुकड़े ऐसे ही बेचता रहूंगा ना भाई, तो उसके पैसे काफी ज्यादा कम मिलेंगे, और अगर मैं बिस्किट बना के बेचता हूँ तो उसके थोड़े से ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा में मिल सकते हैं। लास्ट टाइम मेरे को ना पिछली बार मिला था एक डायमंड जो कि रेड कलर का था, बट यहाँ पर मेरे को सोना दिखा। ओके, आसपास में सोना है तो ओ वेट, सामने ही तो रखा है। अरे वाह यार, तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, बट इसको थोड़ा बहुत मेरे को डिग करना होगा और उसके बाद इसको बाहर निकालना होगा। ओके फाइनली गाइस, इसको बाहर निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान था, बट मैं सोचा था एक कार्ड खरीदने की। कार्ड हमारी यहाँ पर खड़ी है, बट यार इसको खरीदने के लिए शायद मेरे को पैसे चाहिए होंगे। बट उससे पहले ना इस सोने को मैं साफ कर लेता हूँ, और धोने के बाद मेरे को थोड़ा सा इसको शेकिंग करना होगा। शेकिंग करने के बाद बेचने के लिए रेडी कर लेंगे। ओके लेट्स गो, अभी फटाफट से कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद मेरे को सबसे पहले जाना पड़ेगा कार्ड के पास। ये कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, अगर मैं इसको वहाँ पर लेके जाता हूँ ना तो साथ ही बहुत सारा और लेके आऊँगा। बट इसको खरीदने के लिए मेरे को पैसे कितने चाहिए? बस यार काफ़ी ज़्यादा कम पैसे चाहिए इसके लिए। बट उससे पहले मेरे को फटाफट से इसको बेचना होगा, ताकि मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो जाए, और पैसे होने के बाद हम नई नई चीज़ें अनलॉक कर सकते हैं यार। और नो 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 नो, पिछली बार मैंने बहुत सारा सोना गिरा दिया, बट इस बार मेरे को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ऐसे सोना गिराता रहा ना भाई, फिर तो कमाल ही है। इस बार मेरे को कोई गलती नहीं करनी है। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत सोना हो चुका है, और मेरे पास पहले से सोना है या नहीं है? ओ, मेरे पास एक ब्लू डायमंड है, बट ये कहाँ से आया यार? उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं यार, सिल्वर भी है और डायमंड बहुत सारे तरह तरह के हैं, और नीचे एक कॉइन बना हुआ है। और एक कॉइन मेरे को यार पता है, मेरे को कहाँ पर देखा था मैंने इसका ऑप्शन वो। अच्छा अच्छा यार, मेरे को याद आया, यहाँ पर मैंने गाड़ी के पास देखा था। ये देखो, ओपन टेबल फॉर कॉइन कलेक्शन। इसको खरीदने के बाद मेरे को यहाँ पर कॉइन जमा करने, और कॉइन जमा करने के बाद हमें एक डीलर से मिलना है, मतलब कि यार उसको ना ये अच्छे खासे दामों में बेचना है। सोना ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक तगड़ा सा जो सबसे महंगा है वो डिटेक्टर खरीद लूँ। बट उसके लिए मेरे को बहुत सारे पैसे चाहिए। कहाँ पर यार सोना? सिग्नल तो यहाँ से मिल रहा है खड्डे के अंदर। मेरे को यहाँ पर एक और बॉम्ब ब्लास्ट करना पड़ेगा, एक से कुछ फर्क नहीं पड़ा ज़्यादा। ओ ओ ओ, ये रहा ना भाई, मेरे को सामने ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर ही है? एग्जैक्ट मेरे को बता दो भाई, मैं नीचे नीचे ढूंढूँ, ऊपर जाने की जरूरत ना पड़े बस। लेट्स गो गाइस, अभी एक और ही मिल चुका है, बट चलते चलते एक बार की और रिसर्च कर लेते हैं, क्या पता यहाँ से मेरे को सोना और मिल जाए। चलो कोई बात नहीं, फटाफट इसको धोते हैं, शेकिंग करने के बाद इसको फटाफट से बेचते हैं। मतलब कि एक साथ ना बहुत सारा सोना इकट्ठा करूंगा, उसको एक साथ बेचूंगा, ताकि उसके पैसे ज़्यादा मिले। क्योंकि भाई मार्केटिंग ऊपर नीचे होते रहता है, अगर ज़्यादा सोना होगा ना तो मार्केट भी सही ठीक ठाक रहेगा। अब यहाँ पर मैसेज आ चुका है, थैंक यू। ओके यार, मैंने दादी को पैसे भेजे थे, शायद उसी लिए थैंक यू बोली है, बट ठीक है। अभी बार बार मत मांगियो, मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, अगर सबको पैसे बांटता रहूँगा तो भाई मैं कमाऊँगा कब? लेट्स गो, अभी स्लोली स्लोली कचरे को नीचे फेंकना है। ओ नो, ये सोना साथ में ना चला जाए बस। हो यार बच गया, इतना सा सोना निकलता है, वही पानी के अंदर चला गया तो भाई फिर तो काम कर लिए। लेट्स गो गाइस, अभी टोटल मेरे पास सोना कितना हो चुका है? क्या? अच्छा यार, मैंने गोल्ड का वेट तो चेक ही नहीं किया। अभी यहाँ पर ज़रूरत है या नहीं? नहीं यार, पूरा पूरा सोना है, तो यहाँ पर टेबल पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओ वेट, अच्छा यार शॉर्ट करना पड़ेगा इसको, पूरा पूरा सोना है इसके अंदर, क्या शॉर्ट करूँ मैं? फालतू की फॉर्मेलिटी है। मेरे पास एक डायमंड है, तो डायमंड को बेच के देखता हूँ कि इस डायमंड के पैसे कितने मिलते हैं मेरे को। लेट्स गो, अब यहाँ पर वेट चेक करते हैं फटाफट से, लगभग 40-39। चलो ठीक है, करीब करीब है। यहाँ पर देखते हैं मार्केट ऊपर है या नीचे है। मेरे घुसते ही मार्केट ऊपर जा रहा है, पहली बार देख रहा हूँ मैं, मेरे घुसने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है भाई। बट यार पैसे काफ़ी ज़्यादा कम मिल रहे हैं मेरे को। मार्केट वापस से ऊपर जा रहा है। ओके यार, $2500 के अंदर मैंने भेज दिया है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट जो कि मेरे पास है, ओह शेपियर, इसके मेरे को मिल रहे हैं $900, तो इसको भेज दूँ क्या मैं? हाँ, रखने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, चलो फटाफट से सेल करते हैं। और मेरे पास लगभग हो चुके हैं $3600, वापस से काम पर लगते हैं। मेरे को पैसे बहुत सारे इकट्ठा करने भाई, इतने से पैसे से कुछ नहीं होने वाला। मैंने पिछली बार ना बहुत सारे पैसे कमाए थे, बट यार जेसीबी पर पूरे पूरे खर्चा करते, उसके पार्ट वार्ट लगाने में मेरे सारे के सारे पैसे खत्म हो गए।
इस बार भी मेरे को यहीं पर दिख गया, ये क्या चल रहा है भाई, ये ग्लिच है या फिर ऐसा ही चलता है। लेट्स गो, सोना ढूंढना काफ़ी ज़्यादा आसान लग रहा है मेरे को, बट एक बार की सिग्नल मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ओके, इसको फटाफट से कलेक्ट करते हैं। अभी मेरे को ना साथ ही साथ सबको ना डिगिंग कर देना चाहिए, आखिर जल्दी जल्दी सबको उठा के भेज दूँ मैं। और वेट, यहीं कहीं पर आस पास ही है, नीचे पहले देखूंगा मैं। ये है क्या, इस बार भी ऐसे ही दिख जाए तो यार अच्छी बात है, सिग्नल मेरे को यहीं से मिला था। ओ, ओ, ओ। अरे सिग्नल पूरा ही बंद हो गया। अच्छा, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। इसके अंदर है क्या, वेट, शायद मेरे को अंदर जाना पड़ेगा। ओके ओके ओके, इस खड्डे के अंदर ही है। नहीं यार, मैंने कहा था ना पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। देखो धीरे धीरे वापस पूरा सिग्नल चला गया, मेरे को बाहर ही जाना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ पर है यार, मेरे को सिग्नल मिल रहा है लेकिन यार सही से पता नहीं चल रहा। लाइट जब तक फास्ट नहीं होगी तब तक मेरे को पता नहीं चलेगा। मैं जैसे ही दूर जा रहा हूँ सिग्नल स्लो रहा है। ओके ओके, फाइनली मिल गया। अरे फिर से वो, अच्छा, यहाँ पर है क्या। फाइनली गाइस, इतनी देर के बाद इसे बट मिल गया। मेरे को वापस से चेक करना पड़ेगा ज़्यादा लाइटिंग कहाँ पर हो रही है। ओके, यहाँ पर ज़्यादा गहरा तो नहीं है ना, क्योंकि भाई ये एकदम ऊपर है तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा नीचे हो। नहीं, यहाँ पर नहीं है, वापस से चेक करना पड़ेगा। जहाँ पर सिग्नल सबसे ज़्यादा मिल रहा है मेरे को वहाँ पर ही डिगिंग करनी होगी। सबसे ज़्यादा तो यही मिल रहा है लेकिन यार यहाँ पर है नहीं। ओके ओके ओके, मिल गया मिल गया। पिछले पार्ट के अंदर मैंने इतनी सारी डिगिंग करने के बाद ओरे मिला था मेरे को, काफ़ी ज़्यादा गहरा था वो। ओके यार, दो ओरे मिल चुके हैं, इन दो ओरों के मेरे को मिल जाएंगे लगभग $2000। और फटाफट से मेरे को अभी कार्ड खरीदनी पड़ेगी, या फिर उससे पहले मेरे को ना डिटेक्टर खरीदना चाहिए, क्योंकि भाई इससे ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर मैं इससे भी ज़्यादा पावरफुल डिटेक्टर खरीद लेता हूँ तो भाई उससे ना काफ़ी ज़्यादा आसानी से मैं बहुत सारा गोल्ड खरीद सकता हूँ, मतलब कि ढूंढ सकता हूँ। खरीदना क्या है इसमें, लेट्स गो। फटाफट से धोते हैं और धोने के बाद शेक करते हैं, शेक करने के बाद फटाफट से इसको सेल करते हैं। बस फिलहाल तो मेरा यही काम धंधा है, लेकिन उस एरिया नंबर 2 के अंदर हम जाएंगे ना, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह है भाई। बट इसके अंदर मेरे को कुछ मिला गाइस, फिर से ब्लू डायमंड। वाह यार, ऐसे डायमंड मिलते रहे ना तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, मतलब यार डायमंड के पैसे अच्छे खासे मिलते हैं मेरे को। अगर इसके मेरे को $900 मिल रहे हैं तो भाई जो रियल डायमंड होता है, हीरा होता है, वो मिल गया तो भाई तो नहीं आ पा रहे फिर तो। तो गाइस ये काम करने के बाद वापस हम चलते हैं, क्योंकि भाई एक और है ना हमारा रेडी है, उसको फटाफट से लेके आते हैं। उसको कलेक्ट करने के बाद, धोने के बाद हम साथ में इनको बेचने वाले हैं। बट यार मैंने कहाँ पर देखा था, अच्छा ये रहा ना। मैं सोच रहा हूँ फटाफट से मेरे को शॉप में जाना चाहिए और देखना चाहिए डिटेक्टर कितने का आने वाला है, मतलब जो भी सबसे ज़्यादा पावरफुल है ना वही खरीदने वाला हूँ डायरेक्टली। क्योंकि भाई ऐसे नहीं है कि भाई इसको पहले अपग्रेड करूँगा उसके बाद दूसरा दूसरा अनलॉक करूँगा, नहीं यार ऐसा नहीं चलेगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो भी सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो वाला डिटेक्टर चाहिए। इसके अंदर मेरे को क्या, सिल्वर, वाह यार। देखा जाए तो सिल्वर ना भी मिले ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई इसकी प्राइस ना बहुत ज़्यादा कम है मार्केट के अंदर। ओ यार, सिल्वर ज़्यादा मिला है, गोल्ड कम मिला है। नहीं, बराबर ही लग रहा है मेरे को। लेट्स गो, फटाफट से अभी बेचते हैं। अगर ये पूरा पूरा गोल्ड ही होता ना भाई तो अलग ही सही था, मतलब सही रहता था। अब इसको फटाफट से अलग करते हैं, शॉर्टिंग टेबल इसी के लिए तो है ना भाई। ओ अच्छा, चार डायमंड तो पिछली बार मिला था ना मेरे को। जल्दी जल्दी मैंने सिल्वर को अलग कर दिया, अभी फटाफट से एक डायमंड है उसको निकाल लेते हैं और एक डीपी में रख देते हैं। अभी इन सब चीज़ों के लगभग मेरे को $3000+ तो मिलने चाहिए, क्योंकि भाई एक तो ना डायमंड हो गया और सिल्वर के लगभग मेरे को 250 या फिर करीब करीब मिल जाएंगे। अभी वेट चेक करते हैं फटाफट से, गोल्ड का वेट होगा लगभग 40, वही का वही सेम यार 39। सिल्वर, सिल्वर होगा ये करीब करीब 20, 23, चलो ठीक है। अब इनको बेचते फटाफट से और डायमंड का भी सेलिंग करते हैं। मार्केट ऊपर है या नीचे, ऊपर जा ऊपर जा ऊपर। अरे यार नीचे मत आ, नीचे मत आ, ये ऊपर जाते मैं डायरेक्ट बेच दूंगा पहले ना प्रोडक्ट, इसको बेचता हूँ मैं। ये दो बेच दे इतनी देर में मैंने, ये क्या है
ये मार्केट इतना नीचे कैसे भाई? मेरे को गोल्ड के कितने रुपए मिल रहे? एक सेकंड, अच्छा, सिल्वर का था वो। ना 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 ना, ये क्या लगा रखा है भाई? मार्केट पूरा पूरा डाउन हो जाएगा क्या? एक बार ही बाहर जाता हूँ, वापस अंदर आता हूँ मैं। ओके फाइनली यार ये बाहर जाके वापस अंदर आता है तो ठीक ठाक हो जाता है। अभी लगभग मेरे पास $7,000 हो चुके हैं। चलो यार सिल्वर को फटाफट से बेचते हैं। एक सेकेंड, आधा बेचा है क्या मैंने? ओके अभी मेरे पास 7,400 @7 बहुत सारे पैसे हो चुके हैं, बट अभी इनको खर्चा कहाँ पर करना है? एक सेकेंड यार, मैं देखना चाहता हूँ कि भाई उसकी प्राइस क्या है, जो सबसे पावरफुल डिटेक्टर है उसकी प्राइस देख लेता हूँ मैं। ट्रैक्टर तो हो गया, शॉवल, बकेट, सबको अपग्रेड करना है भाई, बट अभी नहीं, उसको थोड़ा टाइम देते हैं। ओ भाई साहब, डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर, गुड डिटेक्टर तो सबसे ज़्यादा अच्छा ही है, बट इसकी प्राइस देखो यार, लगभग $15,000। इतने तो भाई मेरे पास है नहीं। और ये क्या है? प्रोफेशनल डिटेक्टर, बट ठीक है अभी इसको छोड़ते हैं। इनको भी मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। बकेट ये सबसे ज़्यादा मस्त है। और वॉशिंग स्टेशन, इसको भी अपग्रेड करेंगे। शेकिंग स्टेशन, इसको भी अपग्रेड कर सकते हैं। शॉर्टिंग टेबल, इन सबको। ये क्या चीज़ है यार? स्टील क्लास्ट ट्रैक्टर हो गया, डायनामाइट हो गया। फिलहाल तो मेरे को इसको ख़रीदना नहीं है भाई। पहले ना इसका रूल ही अलग है भाई, पहले ना $4,000 भरो, उसके बाद मेरे को वापस से ख़रीदना पड़ेगा इसको। ये बहुत ज़्यादा गलत है, इसको फेंको साइड में, फिर कभी फोड़ेंगे, ज़्यादा पैसे होंगे तब। अभी मेरे को एक डिटेक्टर ख़रीदना चाहिए या नहीं, या फिर मेरे को ब्लैक स्मिथ? गाइस इसको ओपन कर लूँ क्या मैं? वैसे मेरे पास $3 कम है यार, डिस्काउंट देगा क्या थोड़ा बहुत? $3 कम पड़ रहे भाई मेरे को, दे दे यार, मेरे को ओपन करना है इसको। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ ना, भाई काफ़ी ज़्यादा फायदा है इसके अंदर। जितना मैंने सोना बेचा है ना, लगभग मैंने 7,000 का बेचा है। 80 ग्राम या फिर 100 ग्राम तो था, और मेरे को एक बिस्किट है ना $4,000 मिल रहे हैं, तो लगभग मेरा फ़ायदा तो है इसमें। और इसको जल्दी जल्दी मेरे को ओपन करना होगा, बट फिलहाल मेरे पास उतने पैसे है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, न्यू डिटेक्टर ही खरीद लेता हूँ, ताकि मैं बहुत ज़्यादा आसानी से गोल्ड ढूंढ सकूँ, और गोल्ड ढूंढने के बाद बहुत सारे पैसे कमा सकूँ। लेट्स गो गाइस, ये वाला मैंने खरीद लिया है। अभी इसको मैं अपग्रेड भी कर सकता हूँ, लेकिन भाई अभी अपग्रेड करने का टाइम नहीं है मेरे पास, और ना ही पैसे हैं मेरे पास। ओके फाइनली गाइस, न्यू डिटेक्टर। अभी इसको चेक करते हैं, ट्राई करते हैं कि भाई इससे मैंने कितनी आसानी से सोना ढूंढ सकता हूँ। इसके अंदर सिग्नल तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है। ये देखो, इन लाइटों से मेरे को पता चल रहा है 3 लाइटें चालू हो चुकी हैं, मतलब कि मैं आस पास ही हूँ। ओके 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 गाइस, यार मैंने कहा था ना काफ़ी ज़्यादा मस्त है यार। अगर ये इतना तगड़ा है, तो भाई जो लास्ट वाला 15,000 वाला है वो कितना पावरफुल होगा? 5 लाइटें लगनी चाहिए। ओके अब यहाँ पर फटाफट से डिगिंग करते हैं, और डिगिंग सही से, वेट, अरे अरे तो ये रहा, और 5 लाइटें यहाँ पर चालू हुई थी। ये क्या भाई, नए नशे में है क्या ये? चलो कोई नहीं, शिट, मैंने एक गलती कर दी, मेरे को कार्ड खरीदनी थी यार। और फिलहाल मेरे पास इतने, अरे यार कार्ड तो मैं खरीद लूँगा ना, पैसे हैं मेरे पास बहुत सारे। इसको फटाफट साफ करते हैं, और उसके बाद कार्ट ओपन करते हैं। कार्ट की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है भाई। ये क्या, अबे ये क्या कचरा मिल गया मेरे को? ये केन, इसका मैं क्या करूँ? अच्छा इसको शॉप में बेच भी सकता हूँ, चलो ठीक है, बट उससे पहले मेरे को कार्ट ओपन करनी है यार। वाह फाइनली आज के दिन में मैंने दो चीज़ें ओपन कर ली है, एक न्यू डिटेक्टर और साथ साथ एक कार्ट, जिसकी मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। बट उससे पहले हम जाएंगे शॉप के अंदर, बट इसको साथ में लेके जाता हूँ ना मैं, मज़ा आएगा। इसको चलाने का एक अलग ही मज़ा है भाई। ये लो, मेरा कोई साथी होता इसमें बैठा के ना, बहुत ज़्यादा घुमाता था मैं। ये देखो, ओह सर, 4-5 और तो आ ही जाएंगे। इसको छोड़ो, मेरे को शॉप के अंदर देखना है कचरे का मेरे को क्या मिलेगा। ओ शेयर ट्रेस फॉर $100, यार कचरे का मेरे को $100 मिल रहा है। ग्रेट जॉब प्रोस्पेक्टर, यू फाउंड ऑल द ओरे। ओके यार मैंने इस बार भी सबके सब ढूंढ लिए हैं। अभी नए ओरे आ चुके हैं, बट आज नहीं, हम फिर कभी अपना वर्क करेंगे। बट मेरे को एक ओरे फ्री में मिल रहा है, वाह, पहले से डिगिंग किया हुआ है। चलो इसको छोड़ू क्यों मैं, अभी देखते हैं कार्ड के अंदर डालते हैं इसको, कैसे वर्क करती है कार्ड। लेट्स गो, वाह यार, इसके अंदर इकट्ठा करेंगे ना, साथ में लेके जा सकता हूँ मैं। ये देखो, ए मज़ा आ रहा है यार, ऐसे लग रहा है ना मैं रियल में वहाँ पर पहुँच गया। लेट्स गो,
सो गाइस आज मैंने न्यू डिटेक्टर खरीद लिया और साथ ही साथ एक कार्ड भी ओपन कर लिया जिसकी मेरे को काफी ज्यादा जरूरत थी। और जो भाई डिटेक्टर है ना वो काफी ज्यादा मस्त है क्योंकि भाई उससे ना सिग्नल मिलता है मेरे को, मतलब इसके अंदर जो लाइटिंग का सिस्टम है उससे काफी ज्यादा आसानी से मेरे को पता चल रहा है कि भाई ओरे कहाँ पर है, एग्जैक्ट कहाँ पर है वो पता चल रहा है। तो इस फिलहाल अपना वर्क यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक है गुड बाय।